फाइलें पेंडिंग है, सरकारी कामकाज ठप है, अफसरशाही सरकार पर हावी है, जनता परेशान है, लेकिन फिर भी बीजेपी जेजेपी चुनावी जुमले फेंकने में व्यस्त है। ऐसा लग रहा है मानो इस सरकार ने जनता को अपने ही हाल पर छोड़ दिया हो। इतना ही नहीं, खट्टर सरकार ने पिछले 9 साल इसी तरह अफसरों और मंत्रियों के झगड़े में निकाल दिए, जिसकी वजह से लोगों के विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरियाणा में फाइलों के निपटाने की दर काफी निराशाजनक बनी हुई है। सबसे हैरानी वाली बात ये है कि सरकार के मुखिया और अहम विभागों को संभालने वाले सीएम, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री इसमें सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के विभागों में 300 दिनों से अधिक समय से लंबित 7300 से अधिक फाइलों में से 54% से अधिक की हिस्सेदारी है। एक्सेस किए गए डेटा से पता चलता है कि खट्टर और विज के पास मौजूदा विभागों में 4000 से अधिक फाइलें पेंडिंग है। इसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विभागों में 1200 से अधिक फाइलें पेंडिंग है। हरियाणा की भाजपा सरकार भले ही विकास के लाख दावे करके जनता के सामने झूठे जुमले फेंकने में लगी हो, लेकिन प्रदेश के लोग बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त हैं। बढ़ती बेरोजगारी का दंश युवाओं को खाए जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा जजपा की सरकार अपनी ही राजनीति में व्यस्त है, जिसकी पोल मीडिया रिपोर्ट्स खोल रही है। इससे साबित होता है कि भाजपा ना किसान की है, ना जवान की है, ना मजदूर की और ना ही व्यापारी की है।